मैं अनीता दिनेश आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग्स बनाती हूँ। और सोच तो रही हूँ कि ये पेंटिंग जब बनाऊंगी तो कुछ ब्राउन एंड टील कलर के कॉम्बिनेशन में बना के तैयार करूंगी, पर देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कई बार बनाना कुछ और शुरू करती हूँ, बना कुछ और देती हूँ, और कई बार जो सोची होती हूँ वैसा हूबहू बनाती हूँ। कई बार बनाते बनाते दिमाग में थॉट्स आते हैं और अचानक से जो पूरी की पूरी जो कॉन्सेप्ट होता है मेरे दिमाग में उसको मैं एकदम चेंज कर देती हूँ। मैं पेंटिंग्स बनाती हूँ तो हमेशा मैं काले कपड़े पहनना पसंद करती हूँ, और उसका कारण ये है कि ब्लैक कलर होता है वो एक ऐसा कलर होता है जिसके ऊपर कोई भी कलर इतना ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और सच बात तो ये है कि मुझे लगता है कि जो ब्लैक यानी कि डार्कनेस है वही सच्चाई है। ज़्यादातर मुझे पसंद है बड़े साइजेस की पेंटिंग बनाना, क्योंकि मुझे लगता है कि जो बड़े कैनवस होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है, आप एक एंड से दूसरे एंड तक अपनी क्रिएटिविटी को पूरी तरह से उसमें निचोड़ सकते हैं, डाल सकते हैं। छोटे कैनवस में थोड़ा बंद जाते हैं दायरे, मुझे लगता है कि नहीं, स्पेस चाहिए, आज़ादी चाहिए, और अपनी क्रिएटिविटी को दिखाने के लिए, अपनी क्रिएटिविटी को आगे बढ़ाने के लिए। बहुत सारे लोग मुझसे ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो पेंटिंग्स बनाते हैं और पर उन्होंने कभी उनको एग्जिबिट नहीं किया है, डिस्प्ले नहीं किया है, तो क्या ऐसा तरीका है जिससे वो पेंटिंग्स को एग्जिबिट कर सकें, डिस्प्ले कर सकें? क्योंकि मेरा भी मानना है कि आपको अगर इंटरेस्ट है या आप चाहते हैं, आपको अपनी पेंटिंग्स डिस्प्ले करने से चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि जब आप दुनिया के सामने अपने टैलेंट को, अपनी आर्ट को, अपनी क्रिएटिविटी को लाएंगे तभी उसको सराहने वाली आंखें मिलेंगी। और अगर वो आपका जो आर्ट है वो आपके अंदर, आपके मन में, आपके घर के दायरे में कैद होकर रह गया तो वैसा हो जाएगा जैसे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। और बहुत बार ऐसा होता है कि किसी किसी मजबूरी की वजह से आपके अंदर शौक तो है पर आप मौका नहीं पा पा रहे हैं, आपके अंदर शौक है पर आपके पास साधन नहीं है, आपके अंदर शौक है पर आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं, और आपके अंदर शौक है पर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप अपनी पेंटिंग्स को एग्जिबिट करें। तो चलिए आज मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप अगर आर्ट बनाते हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी आर्ट में उस लेवल को अचीव कर लिया है जिससे कि आप उसको दुनिया के सामने ला सके, और या नहीं भी अचीव किया है तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी है आप ज़रूर डिस्प्ले करें, क्योंकि जब आप डिस्प्ले करने जाते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है ना कि दुनिया और कैसा काम कर रही है, लोग किस तरह का काम कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से चेंज करके आती हूँ फिर आपसे बात करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको अपनी एक पेंटिंग संगीतेश्वर दिखाऊंगी, उसके बाद फिर हम इस बात पर चर्चा करेंगे। ग्रीन कलर के डिफरेंट शेड्स में बनी हुई ये पेंटिंग है, इसका टाइटल संगीतेश्वर है। ये शिव के संगीतेश्वर मैनिफेस्टेशन पर बनी हुई है, यानी कि शिव को संगीत का भी आदि देव माना जाता है। ये माना जाता है कि तमाम राग रागिनियाँ उन्हीं के से निकली हुई हैं, और शिव की जो वीणा है उससे ही सबसे पहले राग रागिनियों की उत्पत्ति हुई है। डिफरेंट ग्रीन कलर के शेड्स हैं, बहुत सारा टेक्सचर है, लेयरिंग है, और जो लोग पेंटिंग्स बनाते हैं उनको पता है कि ग्रीन कलर को जो साधना है वो बड़ा मुश्किल काम होता है। अब बात करते हैं कि अगर आपने आज तक कभी भी अपनी आर्ट को डिस्प्ले नहीं किया है तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो लोग फॉर्मली, जिनको आर्ट में एजुकेशन नहीं है या फिर वो किसी आर्ट स्कूल से पढ़े हुए नहीं हैं, वो आर्ट की फील्ड से जुड़े हुए नहीं हैं, वो तमाम लोग जो शौकिया पेंटिंग्स करते हैं, आर्ट बनाते हैं, चाहे वो कोई भी फॉर्म हो, चाहे वो पॉटरी बनाते हों, चाहे वो स्कल्पचर बनाते हों, चाहे वो पेंटिंग्स बनाते हों, ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए मददगार होगा। और मुझसे बहुत सारे ऐसे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें मैं ये बताऊं कि अगर कोई किसी को लगता है कि उसकी आर्ट को वो डिस्प्ले करना चाहता है, उसको लगता है कि उसने अपनी आर्ट में वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी अचीव कर लिया है जिससे कि वो उसको दुनिया के सामने ला सके, और मुझे ये लगता है कि आर्ट जो है वो परफेक्ट तो कभी होती ही नहीं है, आर्ट को देखने वाले के नज़रिए के हिसाब से आर्ट को आप वैल्यू कर सकते हैं, उसकी वैल्यूएशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो एक्सपीरियंस होता है वो भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कि जिनका हाथ अच्छा है, वो अच्छा काम करते हैं, उनको आर्ट में रुचि है, किसी न किसी वजह से वो या तो टाइम पर अपना आर्ट डिस्प्ले नहीं कर पाए या एज अ कैरियर इसको एक्सप्लोर नहीं कर पाए,
या फिर वो अपनी पेंटिंग्स को दुनिया के सामने नहीं ला पाए, ऐसे लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और खासकर वो लोग जो कि अच्छा काम करते हैं, जिनका अच्छा हाथ है, पर वो फॉर्मली ट्रेंड आर्टिस्ट नहीं है, ये वीडियो उनके लिए बहुत काम का है। अगर आपको लगता है कि आपको अब समय आ गया है कि आप अपनी पेंटिंग्स को दुनिया के सामने लाएं, दुनिया को दिखाएं, तो आपके पास कई ऑप्शन ऐसे हैं जिनको कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ऑप्शंस के साथ मैं आपको वो आइडियाज भी दूंगी जो मुझे लगता है कि अगर आपको करना है और आप एक शौकिया आर्टिस्ट हैं, तो आप किस तरह से अपने आप को एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं या आगे ला सकते हैं। सबसे पहली चीज तो ये है, मान लीजिए कि आपके पास बड़ा कलेक्शन नहीं है, आपके पास बहुत पेंटिंग नहीं है, आपने चार ही सिर्फ पेंटिंग्स बना रखी हैं, पर आपको लगता है कि वो दिखाने लायक हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप किसी आर्ट ग्रुप आर्ट शो का हिस्सा बन जाएं। ग्रुप आर्ट शो का हिस्सा बनने के लिए आपको के पास कई ऑप्शन होंगे। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप कुछ आर्टिस्ट के साथ मिल करके आप ग्रुप शो में अपनी पेंटिंग को रखें और उनका जो एक्सपेंस आता है उसमें जो एक पोर्शन आपके हिस्से में आएगा उसको बेयर करें, पर आप अपनी पेंटिंग्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। ऐसा खास करके आप उन गैलरीज में कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की गैलरीज हैं, गवर्नमेंट एडेड गैलरीज हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की गैलरीज हैं, क्योंकि उनकी जो फीस होती है वो कम और अफोर्डेबल भी होगी। दूसरा तरीका ये है कि आप जो प्रोफेशनली ट्रेन्ड क्यूरेटर्स हैं या बहुत सारे आर्टिस्ट भी एज अ क्यूरेटर कर रहे हैं, बहुत सारे सोशलाइट्स भी एज अ क्यूरेटर एग्जिबिट करते हैं पेंटिंग्स आर्टिस्ट से लेकर के, तो आप इस तरह के लोगों से संपर्क कर सकते हैं और उनकी मदद से आप अपनी आर्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। इस तरह के डिस्प्लेज भी तमाम गैलरीज में और होटल्स में भी इस तरह के डिस्प्ले होते हैं, आजकल मॉल्स में और इस तरह के पब्लिक स्पेसेस में भी इस तरह के डिस्प्ले होते हैं जहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और आपकी आई आर्ट की तरफ लोगों की आंखें जाती हैं और आप वहां पे आर्ट अपनी डिस्प्ले कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। अगला तरीका ये होता है कि अगर आपके पास ज्यादा पेंटिंग्स हैं और आपको लगता है कि नहीं आपको अपना एक अकेले का शो करना है, तो मेरे हिसाब से आप किसी भी अच्छे स्पेस को चुन सकते हैं। अगर आपका बजट अच्छा हो तो आप किसी अच्छे होटल की जो गैलरी है, फॉयर है, लॉबी है, वहां पर ले सकते हैं। आप किसी कन्वेंशन हॉल को लेकर के वहां पर भी अपनी पेंटिंग्स एग्जिबिट कर सकते हैं। शुरुआती अनुभव के लिए अच्छा होगा, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपको अपनी पेंटिंग्स को अगर बड़ी गैलरीज में करना है, आपकी जो आर्ट है वो किस स्तर की होनी चाहिए, का जो मैनेजमेंट स्किल है अपने शो को मैनेज करने का वो किस तरह का होना चाहिए। ऐसे में भी अगर आपके पास बजट है तो आप प्रोफेशनल क्यूरेटर्स हायर कर सकते हैं, वो आपके शो की सारी जरूरत गैलरी से लेकर के और आपकी पेंटिंग के लिए बायर्स तक लाना वो सारा काम करेंगे। बदले में वो अपनी फीस या कमीशन लेंगे, दोनों तरीके से लोग काम करते हैं। बहुत सारे लोग कमीशन बेस्ड काम करते हैं, बहुत सारे लोग फीस लेके करते हैं। आपको जो सही लगे आप उस हिसाब से कर सकते हैं, मगर मुझे लगता है कि अगर आप पहली बार डिस्प्ले करना चाह रहे हैं तो आपको आर्टिस्ट के संग मिलकर के एक ग्रुप में पेंटिंग्स को डिस्प्ले करना बेहतर रहता है। उससे आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ेगा और आपकी पेंटिंग डिस्प्ले होने के साथ ही साथ तमाम तरह के, तमाम क्वालिटी, तमाम तरह का काम कर रहे आर्टिस्ट के बीच में जब आप जाएंगे तो आप अपना भी सही आकलन कर पाएंगे, अपने काम का सही आकलन कर पाएंगे। साथ में इस तरह से ग्रुप में काम करने से आपके कनेक्शंस बनते हैं, जो कनेक्शन आपको इस फील्ड में और भी ज्यादा अच्छे शोज दिलाने में मददगार होते हैं। एक्चुअली बहुत सारी ऐसी प्राइवेट गैलरीज भी हैं जो कमीशन लेकर के आर्टिस्ट की पेंटिंग्स को सेल करती हैं या आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स उनको देते हैं और उसके बदले में वो फीस लेती हैं, सेल के बाद उनसे कमीशन चार्ज करती हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि जो कमर्शियल गैलरीज होती हैं वो ज़्यादातर थोड़े एक्सपीरियंस या नामी आर्टिस्ट को लेना ज़्यादा पसंद करती हैं, नए आर्टिस्टों को लेने में वो हेजिटेंट होते हैं, तो वो आर्टिस्ट के जो एक्सपीरियंस का, उसके प्रोफाइल का ध्यान काफ़ी ज़्यादा रखते हैं, इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है। इसके अलावा आप गवर्नमेंट के जितने भी सारे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे ललित कला एकेडमीज होती हैं, वहाँ पे ललित कला एकेडमीज की जो गैलरी होती हैं वो इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव उनका चार्ज नहीं होता है और आप उनको आराम से अफोर्ड कर सकते हैं अगर आप अपना सोलो शो करना चाहते हो तो। और रैली में, बॉम्बे में, हर इंडिया के बड़े शहर में बहुत सारी ऐसी गैलरीज हैं, बहुत सारी ऐसी प्राइवेट गैलरीज हैं जहाँ पर आप अपनी आर्ट को डिस्प्ले कर लेते हैं। पर अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने किसी आर्ट फॉर्म में महारत हासिल कर ली है, जैसे तंजावुर में या फिर केरला म्यूरल आर्ट में, इस तरह के आर्ट में अगर आपका बहुत अच्छा हाथ है तो आप फिर अच्छी गैलरीज की तरफ भी रुख कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो आपको अपने दायरे से बाहर निकलना होगा
और एक्सप्लोर करना होगा आपके शहर में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके शहर में गैलरीज हैं कि नहीं हैं। अगर आप ऐसे शहर में रहते हैं जहां गैलरीज नहीं हैं, तो आप कुरियर के थ्रू अपने शोज़ में अपनी पेंटिंग्स को भेज सकते हैं। आप तमाम लोग शोज़ क्यूरेट करते हैं जिसमें वो फीस चार्ज करके आपको अपनी पेंटिंग एग्जिबिट करने का मौका देते हैं। उनके साथ आप काम करके अपनी पेंटिंग को कुरियर के थ्रू भी भेज सकते हैं। तो इसलिए ये सोच के दुखी मत होइए कि आप एक छोटे शहर में रहते हैं तो आप अपनी पेंटिंग को कैसे एग्जिबिट करें। अगर आप जिस दिन चाह लेंगे उस दिन सब कुछ कर सकते हैं। इंसान के अंदर बस मादा होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए और फिर उसको कोई भी रोक नहीं सकता है। तमाम जो क्यूरेटर्स हैं, गैलरीज हैं, उनके नंबर आपको मिल जाएंगे थोड़ा सा एफर्ट करने से। अगर आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप फेसबुक पे एक्सप्लोर करिए, तमाम आर्टिस्ट या क्यूरेटर्स को आप से कनेक्ट करिए, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो करिए, तमाम ऐसे लोगों से जुड़िए जो आपको एज एन आर्टिस्ट ग्रो करने के लिए सही सलाह दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं कि आपको ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी और कैसे मिलेगी। आपका अगर हाथ अच्छा है तो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, आप कमीशन वर्क कर सकते हैं। और आजकल तो बहुत इजी हो गया है नए लोगों के लिए या जो लोग टैलेंटेड हैं उनके लिए कि आप सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल डाल करके, स्पेशली इंस्टाग्राम पे आप इंस्टा बिजनेस की हेल्प ले सकते हैं। उससे भी आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने के अच्छे खासे चांसेस रहते हैं। पर मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि आपको अपनी आर्ट डिस्प्ले करनी चाहिए तो आपको हेजिटेंट नहीं होना चाहिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत अच्छे की कोई सीमा नहीं है। हो सकता है कि आप में इतना पोटेंशियल हो, आप में इतना मादा हो कि आप एक अच्छी आर्ट बना सकें, दुनिया के सामने ला सकें और अपने टैलेंट को एक्सप्लोर कर सकें। आप तमाम तरह के इंटीरियर डिजाइनर से भी संपर्क कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर से भी संपर्क कर सकते हैं। ये लोग अपने तमाम तरह के प्रोजेक्ट्स में लगाने के लिए भी पेंटिंग्स लेते हैं। कभी भी अपने टैलेंट को दबा के रखने की जरूरत नहीं है और आप अपनी आर्ट को इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। आर्टिस्ट से इंटरेक्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी जानकारियां मिलेंगी, ऐसी चीजें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले नहीं पता रही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे मैं आपको काम की तमाम तरह की बातें बताती रहूंगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।